Hello dear students, we are coming with our new lecture on resonance. बेटा हमने जो भी resonance के अभी तक examples दी थी उसमें हमने एक तो pi sigma pi bond वाला conjugation discuss किया था, pi sigma lone pair and pi sigma negative charge वाला क्या वाले जो cases थे वो discuss किए थे. और आज के इस वाले lecture में हम discuss करेंगे और एक case कंजुगेशन का जिसमें आएगा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर अलोंग विथ पॉजिटिव चार्ज उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें पाई सिग्मा पॉजिटिव हो या पाई सिग्मा एमपीटी ऑर्बिटल हो या लोन पेयर के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो उन वाले मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस कैसे होती है वो वाली एग्जाम्पल्स अब हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आप यहां पर नोट डाउन कीजिए आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन दैट इज पाई sigma and positive charge, pi sigma and positive charge. तो ये इस वो molecule हम देखेंगे जिसमें ये conjugation हो उसमें resonating structures कैसे बनेंगे, फिर जाके हम उनमें resonance hybrid बनाएंगे. तो देख लीजिए एक example मैं ले लेता हूं. सबसे simplest example है CH2 double bond, CH single bond. Here I will take CH2 positive. CH2 पॉजिटिव. तो यहां पे थोड़ी मैं जल्दी करता हूं क्योंकि रेजोनेंस पे ऑलरेडी हमें आगे जाके और भी पढ़ने हैं और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने हैं, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो उसके रिलेटेड बात करते हैं. लेकिन पहले ये एग्जांपल मैं थोड़ी जल्दी निपटा लेता हूं. तो यहां पे आती है पाई बॉन्ड, यहां पे आएगी ये सिग्मा बॉन्ड और यहां पे पॉजिटिव पाई सिग्मा पॉजिटिव. दैट मीन्स रेजोनेंस इज हेयर, कंजुगेशन इज हेयर एंड रेजोनेंस विल टेक प्लेस. ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है इट इज अनस्टेबल बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इट विल विड्रॉ दिस पाई बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ. That means the shift off pi bond is taking place, and shift off pi bond, you know that is resonance, and we are getting one more resonating structure like this CH2. यहाँ पे pi bond shift हो रही है, तो single bond आएगी यहाँ पे, तो CH एक bond यहाँ पे है, तो यहाँ से pi bond shift हो रही है, तो यहाँ पे double bond बन जाएगी और CH2 आएगा आपका. देख लीजिए बेटा, यहां से पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन रही है. तो इस कार्बन पे क्या चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था. दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन व्हेन इट विड्रॉज द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ इट इज बिकमिंग न्यूट्रल. ये यहां पे न्यूट्रल बन जाता है. लेकिन ये वाला CH2 जो है इसको इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इस वाले CH2 को इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, यहां से लॉस हो रहे इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आ जाएगा यहां पॉजिटिव चार्ज. तो देख लीजिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड. तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इस केस में. तो आप ट्राई कीजिएगा खुद से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का. यहां मैं जल्दी बना देता हूं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड. यहां पे CH2 है, यहां पे CH है बीच में, और यहां पे CH2 है. ये बॉन्ड देख लीजिए, यहां पे डबल है, यहां पे सिंगल है. मैं लिख लूंगा सिंगल विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो यहां पे ये बॉन्ड सिंगल है, वहां पे डबल है. मैं यहां पे लिख लेता हूं सिंगल विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो ये आगे हर कोई बॉन्ड दोनों इस मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड जो है सेम है. तो और एक चीज देख सकते हो, यहां पे ये कार्बन न्यूट्रल है, यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो यहां पे मैं ना न्यूट्रल लिखूंगा ना पॉजिटिवली चार्ज्ड लिखूंगा, स्लाइट पॉजिटिव लिखूंगा चार्ज यहां पे. और यहां पे पॉजिटिव चार्ज देख सकते हैं आप, वहां पे न्यूट्रल, वहां पे न्यूट्रल है, यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यहां पे स्लाइट पॉजिटिव लिख लिया. ये बन गया आपका इसका इस आपका इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड. तो देखा आपने इस मॉलिक्यूल में पाई सिग्मा पॉजिटिव वाली कंजुगेशन थी, पाई सिग्मा पॉजिटिव वाली कंजुगेशन, पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे. और फिर से जब यहां से ये पाई बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाएगी यहां, तो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से बनना है. तो टोटल मॉलिक्यूल में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए और उन्हीं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से आपने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है. तो ऐसी और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी तीन लेक्चर्स हो गए हैं रेजोनेंस के जो आप देख सकते हैं. जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस रेजोनेंस के रिलेटेड स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं. तो मैं एक चीज करता हूं और एक एग्जांपल लेता हूं इसकी, और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज आएगा. एक और मॉलिक्यूल लेते हैं और उसमें देखते हैं रेजोनेंस कैसे होगी. ये ले लेते हैं, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर लिख लेते हैं दिस इज साइक्लोपेंटेन
यहां पे मैं डबल बॉन्ड लिख लेता हूं, यहां पे मैं डबल बॉन्ड लिख लेता हूं, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन दो बॉन्ड्स आ गई, और यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज लिख लेता हूं अब कार्बन पे, यहां के कार्बन पे, यहां पे कार्बन कार्बन एटम होगा और उसी कार्बन के ऊपर मैं लिख लेता हूं पॉजिटिव चार्ज। तो ये अब जो आयन बना है इसका नाम हम रखते हैं साइक्लो पेंटा, पेंटा क्यों, पांच कॉर्नर है, एक दो तीन चार और पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कॉर्नर आर देयर एंड दिस कंपाउंड इज साइक्लिक, तो हम क्या नाम देखें, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल कैटायन, ये साइक्लो पेंटा डाई इनाइल कैटायन है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में हम देखते हैं क्या कंजुगेशन है, क्या रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी। यहां पे ये पाई बॉन्ड है, यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये आ गया पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, और यहां से भी देख सकते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेंस में क्या होगा, यही पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन जो यहां पे है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस। यहां से मैं लिख लेता हूं अच्छे से ताकि आपको दिखाई दे, ये वाली पाई बॉन्ड जो है कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस टुवर्ड्स द कार्बन। तो यहां पे क्या बनेगा, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप देख लीजिएगा मैं कैसे बनाता हूं, ये वाली पाई बॉन्ड को मैंने शिफ्ट नहीं करवाया तो इसको अपनी जगह लिख लेते हैं, लेकिन इस वाली पाई बॉन्ड का शिफ्ट यहां हो रहा है तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगी, लेकिन साथ ही में जब ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है इस वाले कार्बन को गेन हो रहा है तो ये कार्बन जो है न्यूट्रल बन जाएगा, यहां पे ये कार्बन इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, इस ये न्यूट्रल बन जाएगा, लेकिन ये वाला कॉर्नर जो है, ये वाला कॉर्नर यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस वाले कॉर्नर को इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए बेटा। आपको रेजोनेंस पाई बॉन्ड्स का शिफ्ट तब तक करना है जब तक ये पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन पे वापस न आए, तब तक आपको कंजुगेशन करनी है। पहले पॉजिटिव चार्ज यहां था, फिर शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड होके पॉजिटिव चार्ज यहां पे पहुंच रहा है, लेकिन आपको यहां पे ही नहीं रुकना है, आपको फिर से पाई बॉन्ड शिफ्ट करनी है, तब तक शिफ्ट करनी है जब तक ये पॉजिटिव चार्ज अपने कार्बन पे वापस ना आ जाए यहां पे। तो यहां पे और एक पाई बॉन्ड है, देख लीजिए ये पाई बॉन्ड अब यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी, पाई बॉन्ड ये वाली पाई बॉन्ड जो है यहां शिफ्ट हो जाएगी, तो आपका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो मैं यहां पे बना देता हूं, देख लीजिएगा बेटा ये वाली डबल बॉन्ड जो है, ये वाली पाई बॉन्ड वो मैं अपनी जगह लिख लेता हूं, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है तो यहां पाई बॉन्ड बनेगी अब, ठीक। लेकिन जब पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है तो इस वाले कार्बन को गेन हो रहा है तो ये न्यूट्रल बनेगा, ये वाला कार्बन न्यूट्रल बनेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे मतलब इसको इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब ये न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये वाला कॉर्नर जो है, ये वाला कॉर्नर यहां से पाई बॉन्ड यहां जा रही है तो इस वाले कार्बन को लॉस हो रहा है, जब लॉस हो रहा है तो यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है यहां पर। लेकिन यहां पे नहीं रुकेंगे, मैंने कहा जब तक ये पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन यानी कि यहां पे जब ये पॉजिटिव चार्ज वापस नहीं आएगा तब तक हमें रेजोनेंस कंटिन्यू करनी है। तो क्या होगा, यहां पे ये वाली पाई बॉन्ड वापस यहां शिफ्ट हो जाएगी और अब देख लीजिएगा और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं इसका बना देता हूं यहां पर, यहां पर बनाते हैं, ये वाली पाई बॉन्ड अपनी जगह पे है यहां पर, तो यहां से पाई बॉन्ड यहां आ रही है तो ये वाला कार्बन जो है न्यूट्रलाइज बनके यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगी, और यहां से पाई बॉन्ड जा रही है यहां, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देख लीजिए जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, उस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, उस कॉर्नर से और एक कॉर्नर पे शिफ्ट हो रहा है। तो पाई बॉन्ड का जितना जितना ज्यादा शिफ्ट होगा उतना उतना पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल भी ज्यादा हो जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये वाली पाई बॉन्ड जो है अब यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उसको मैं यहां पे बना देता हूं बेटा, यहां पे बना देते हैं। अब देख लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगी,
तो यहां पे जब डबल बॉन्ड बन रही है, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है, तो इसको गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जब इसको गेन हो रहे तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, और जब यहां से पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रही है तो इस वाले कार्बन को लॉस हो रहा है, पाई बॉन्ड जा रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पे, और ये वाली पाई बॉन्ड अपनी जगह है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब और एक पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाली पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी फिर से। अब देख लीजिए, ये अंदरूनी जो पाई बॉन्ड है, यहां से अंदर से जो पाई बॉन्ड है वापस यहां शिफ्ट हो रही है, सो एज टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा यहां पे, ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे है, ये वाली पाई बॉन्ड अपनी जगह है, और ये पाई बॉन्ड यहां आ रही है तो यहां पाई बॉन्ड बनाओगे, यहां से जब पाई बॉन्ड यहां जा रही है तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ये न्यूट्रल बन जाएगा ये वाला कार्बन, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन्स का यहां जाना इस वाले कार्बन को फिर से लॉस हो रहा है तो इस पे आ जाएगा वापस पॉजिटिव चार्ज। तो देख सकते हैं जो पहला और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सेम है, दोनों का सेम है, फिर से जहां से स्टार्ट किया वहां पे ही पहुंच गए, तो ये केस हो गया कंप्लीट आपका, यानी कि रेजोनेंस यहां पे कंप्लीट हो गई। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, एक दो, एंड ये तीसरा है, ये चार्थ ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो है सेम ही है फर्स्ट और सिक्स। तो हम कह सकते हैं ऐसे सिक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन पहला और लास्ट जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। तो हमने टोटल कितने, यहां पे कौन सी कंजुगेशन थी, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव थी इस मॉलिक्यूल में, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन में पाई सिग्मा पॉजिटिव वाली कंजुगेशन थी। तो कंजुगेशन होने की वजह से पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो रहा है, तो जितना पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो जाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जितना जितना शिफ्ट हो जाएगा एक रिंग के ऊपर, जितना पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट, पॉजिटिव कितने हैं, एक ही है, एक ही पॉजिटिव सारी रिंग पे चक्कर मार रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक ही जगह पे कन्फाइंड नहीं रहता, वो शिफ्ट करता है ओवरऑल द रिंग, दैट लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। लाइकवाइज जो डबल बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स जो है, पाई बॉन्ड भी एक ही जगह नहीं रहती है, ड्यू टू द वो भी शिफ्ट हो जाती है, दैट इंट्रा मॉलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड्स का जो शिफ्ट होता है उसकी वजह से पाई बॉन्ड की भी एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं रहती है, तो पाई बॉन्ड्स का डिफ्यूजन हो जाता है, डिस्पर्शन हो जाता है, डिलोकलाइजेशन होती है, उसकी वजह से भी जो मॉलिक्यूल है स्टेबल हो जाता है। जैसे हमने कल के लेक्चर में भी कहा था, एक मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये कौन से स्ट्रक्चर्स है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या बनाएंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड मैं यहां पे बना देता हूं, इन सारे मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिड। हाइब्रिड बनाने के लिए हम थ्री लाइंस देते हैं, पहले थ्री लाइंस दैट रिप्रेजेंट्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में यहां पे बना देता हूं, देख लीजिएगा, पहला और लास्ट वाला मॉलिक्यूल सेम है। तो यहां पे कौन सा चार्ज है, पहले पॉजिटिव, यहां पे क्या है न्यूट्रल, यहां पे भी ये वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, यहां पे न्यूट्रल है, तो आप यहां पे स्लाइट पॉजिटिव लिख लो, स्लाइट पॉजिटिव। इस वाले कॉर्नर पे पॉजिटिव है और यहां पे ये न्यूट्रल है, तो यहां पे स्लाइट पॉजिटिव लिख लो आप, यहां इस वाले कॉर्नर पे पॉजिटिव है तो यहां पे स्लाइट पॉजिटिव। आप देख सकते हैं हर किसी कॉर्नर पे स्लाइट पॉजिटिव आ रहा है, हर किसी कॉर्नर पे, यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी, अब यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है और यहां पे, हर किसी जगह पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली एक ही जगह नहीं रहता है, वो पॉजिटिव चार्ज का यहां पे डिस्पर्सल हो जाता है, यानी कि कभी एक कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है, कभी न्यूट्रल हो जाता है, तभी हम यहां पे स्लाइट पॉजिटिव लिखते हैं। और सेम इज द केस विद पाई बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाती है, यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड है, यहां पे ये डबल है, ये यहां पे सिंगल है, यहां पे ये डबल है, ये बॉन्ड यहां पे सिंगल है, यहां पे डबल है, ये बॉन्ड यहां पे सिंगल है लेकिन यहां पे डबल है, ये बॉन्ड जो है यहां पे सिंगल है लेकिन देख लीजिए यहां पे डबल है, हर कोई बॉन्ड एक बारी सिंगल एक बारी डबल। तो हम यहां से अंदर से लिख लेते हैं कि एवरी बॉन्ड इन केस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन हैज अचीव्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट मीन्स एवरी बॉन्ड इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज सेम। और यही चीज, ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बना है, यही कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड इस मॉलिक्यूल का, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमने डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा किए और डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है, और एक्चुअली यही हाइब्रिड जो है इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये आगे दो एग्जाम्पल्स ऑफ द कंजुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव।
तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक केस लेते हैं। देख लीजिएगा बेटा, सबसे पहले मैं आपके लिए होमवर्क और एक छोड़ देता हूं। ये वाला मॉलिक्यूल जो है यहां पे मैं रख लेता हूं पॉजिटिव चार्ज। इस मॉलिक्यूल का नाम है साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन। देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। मैंने लिखा साइक्लो, टोटल कॉर्नर्स यहां पे है 3, मैंने लिखा प्रोप, डबल बॉन्ड के बदले इनाइल और पॉजिटिव चार्ज के बदले कैटायन। आप इस वाले स्ट्रक्चर के साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन जो है, इस वाले कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खुद से ड्रॉ करोगे और कमेंट में लिखोगे कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है, ये वाला आयन जो है, ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। और इसके साथ और एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए देता हूं, और एक एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल मैं देता हूं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कैटायन। साइक्लो साइक्लिक है, टोटल कॉर्नर 6 है, मैंने लिखा हेक्सा, डबल बॉन्ड्स 2 है, मैंने लिखा डाइइनाइल, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे मैंने लिखा कैटायन। तो साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटायन, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आप खुद से बनाओगे। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे वो भी आप आंसर कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो ये आगे दो एग्जांपल जो आप खुद से करोगे, उनके आंसर्स खुद बताओगे। इसके बदले में और एक केस लेता हूं, और एक केस लेता हूं कंजुगेशन का, जिसमें आएगा पाई पाई बॉन्ड्स तो हो गए, अब हम लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज वाले कंजुगेशंस डिस्कस करते हैं। ये आ गया लोन पेयर और ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने पहले ही बताया था दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड के बदले मैंने यहां पे लोन पेयर लिया है और साथ में पॉजिटिव चार्ज है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन मानी जाती है। जिस भी मॉलिक्यूल में ये कंजुगेशन होगी उसमें भी स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस होती है। देख लीजिएगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं ए, यहां पे लोन पेयर है, या ए क्यों लिखे हम, सीधे लिख लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड। वन मिनट, CH2 with positive charge, single bond with NH2. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं लोन पेयर। बेटा देख लीजिए, NH2 के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे जो रेजोनेंस आ रही है दैट इज लोन पेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस। तो यहां पे क्या होगा, दिस लोन पेयर विल बी शिफ्टेड हियर, यहां से ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हो रहा है। दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो यहां पे इसका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, देख लीजिएगा कैसे बनेगा। NH2 है यहां पे, तो एक बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट थी, NH2 और CH2 के बीच में एक बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो लोन पेयर का शिफ्ट हो रहा है तो यहां पर पाई बॉन्ड बन जाएगी। That means during the conjugation when there is a lone pair and positive charge, they are adjacent to each other, this lone pair gets converted into pi electron pair. और जब ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा, लोन पेयर शिफ्ट होने की वजह से पाई बॉन्ड बन रही है, और खाली पाई बॉन्ड नहीं बन रही है, लोन पेयर के शिफ्ट होने के साथ साथ इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज अब नहीं लिखोगे, और NH2 अपना लोन पेयर डोनेट करे, जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा इस पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होके इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दैट मींस लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज एट प्रेजेंट, कंजुगेशन इज देयर, लोन पेयर इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड और इट इज गेटिंग शिफ्टेड, एंड ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ दिस लोन पेयर वी आर गेटिंग अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ दिस लोन पेयर द पॉजिटिव चार्ज ऑन CH2 गेट्स न्यूट्रलाइज्ड।
बट द न्यूट्रल्स एन एच टू ग्रुप दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप. तो यह आ गया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यह आ गया दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो आप एक चीज देख सकते हैं यहां पर, मैं इन दोनों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूं. एन एच टू यहां पर भी है, यहां पर भी है, CH2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, दोनों जगह पे CH2 प्रेजेंट है. तो बीच में आ गई सिंगल बॉन्ड, यहां पे आ गई डबल बॉन्ड. तो फिर जब ये वापस यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड बनेगी, ये लोन पेयर फिर से शिफ्ट होगा, सिंगल फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगी, यानी कि सिंगल बन जाती है डबल और डबल बन जाती है सिंगल. तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंगल विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि यहां पे ना तो ये बॉन्ड परफेक्टली सिंगल है ना तो परफेक्टली डबल है. हम कह सकते हैं दिस बॉन्ड हैज अचीव्ड सिंगल विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो यहां पे इस वाले NH2 पे, ये जो NH2 ग्रुप यहां पे है न्यूट्रल है, और यहां पे NH2 ग्रुप क्या है पॉजिटिवली चार्ज्ड, कभी न्यूट्रल है कभी पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो यहां पर स्लाइट पॉजिटिव लिख लो आप. तो यहां पे ये वाला CH2 जो है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहां पे ये CH2 न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है न्यूट्रल. तो यहां पे स्लाइट पॉजिटिव लिख लो, और ये बन गया इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो कि कहलाता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड. तो ये आगे एग्जाम्पल, ये आगे एग्जाम्पल ऑफ द कंजुगेशन ऑफ टाइप लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसे करके हमने जितने भी कंजुगेशन के केसेस है वो सारे डिस्कस किए हैं, और सारे केसेस में हमने अलग अलग से एग्जाम्पल्स दी, और हमने सीखा कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे और कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हाइब्रिड बनाना सीखते हैं. तो अभी तक जो भी हमने रेजोनेंस में पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस, इन विच वी हैव स्टडीड हाउ द शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड्स, हाउ द शिफ्ट ऑफ लोन पेयर्स, हाउ द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस इन द मॉलिक्यूल्स. And one more thing which we have to remember here, that is this resonance is a hypothetical concept. These resonating structures, ये सोचा गया है molecule में ऐसा होता होगा तो इतने resonating structures बन सकते हैं. थ्योरेटिकली हम कुछ भी draw कर सकते हैं by involving the shift of pi bonds, by involving the shift of lone pairs. लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियलिटी में एग्जिस्ट होते हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. और जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. तो इसी रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रा करने के लिए हम जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक मॉलिक्यूल के बना सकते हैं तो हम बनाते हैं. तो इसीलिए हमने यहां पे सारे केसेस कंजुगेशन की डिस्कस करी, फिर एक एक करके हर किसी की एग्जाम्पल दी, और फिर हर किसी केस में हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड होती है, शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड्स बनने की वजह से जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है. तो और एक चीज आप याद रखोगे बेटा, यहां पे जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना बेटा, यही एक्चुअल मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है. इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब इसकी एनर्जी कम होगी. तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, जैसे मैंने पहले ही कहा, दे डू नॉट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल, दे आर अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स. इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इनकी एनर्जी ज्यादा है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम है. जो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगी वही कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी. तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी डिफरेंस इनके बीच में ज्यादा होगी, उतना ही स्टेबल होगा एक रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि एक मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. तो आपके लिए मैं और एक होमवर्क छोड़ देता हूं, और एक मॉलिक्यूल के उसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब खुद से ड्रॉ करोगे. कुछ तो कर लो, कितना बैठोगे घर में, बैठ बैठ के दिमाग खराब हो जाएगा. कुछ दिमाग खराब होने से तो बेहतर है कि कोई क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लो. आप ये वाला स्ट्रक्चर लीजिएगा बेंजीन, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में क्या है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, फर्स्ट कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई. तो ये रेजोनेंस शो करेगा, इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रा कीजिएगा और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दीजिएगा. और एक एग्जांपल आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रा कीजिएगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और एक मॉलिक्यूल मैं आपके लिए ड्रा कर देता हूं, यहां पे बेंजीन है फिर से, लेकिन यहां पे मैं इसको एक चीज एक्सटेंड कर देता हूं, यहां पे डबल लिख लेते हैं
और फिर यहां से यहां पे डबल लिख लेते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको खुद से ड्रा करना है। मैं हिंट दे देता हूं क्या करना है। ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी, फिर ये यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो जब ये यहां शिफ्ट हो जाएगी, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये फिर यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यू हैव टू ड्रा। यहां पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी, उसकी वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो पाई बॉन्ड। अब एक चीज देख लें, यहां पे कौन सी बॉन्ड है, क्या इसमें रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी वो देखना। यहां पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड, फिर है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पहले कौन सी बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा, फिर है पाई सिग्मा पाई, क्या इसमें कंजुगेशन होगी वो आप देख लेना। यहां पे कौन सी है, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, ये कंजुगेशन बेटा नहीं है। यहां पे रेजोनेंस बिल्कुल, ये वाली पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि बीच में दो सिग्मा बॉन्ड्स आ रही है, तो यहां पे कंजुगेशन नहीं होगी, यानी कि कंजुगेशन नहीं है तो यहां पे रेजोनेंस भी नहीं होगी। आपको देखना है क्या ये मॉलिक्यूल शो करेगा रेजोनेंस नहीं करेगा, वो आप देख लेना, मुझे आंसर बता देना, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो बता देना, मैं स्ट्रक्चर्स कर दूंगा सेंड नोट्स में। वन मोर होमवर्क फॉर यू, यहां पे लिख लेते हैं बेंजीन, ऊपर में लिख लेता हूं यहां पे ओएच ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप पे यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ये जो मॉलिक्यूल है जिस कॉल्ड एज फिनॉल, फिनॉल वाले केस में बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप है, ओएच ग्रुप है। तो यहां पर आप देख सकते हो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, कंजुगेशन इज देयर। तो यहां पे क्या होगा, लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी, तो यहां पे फिर नेगेटिव आएगा, फिर उस नेगेटिव को यहां शिफ्ट करवाओगे पाई बॉन्ड को यहां, फिर यहां पे नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव को यहां, पाई बॉन्ड को यहां पे नेगेटिव, तो वो वाली कंजुगेशन अब खुद से करके इसके सारे रेजोनेटिंग फिनॉल के, याद रखना इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जरूरी चाहिए, फिनॉल के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो बना दीजिएगा। करना क्या है, लोन पेयर पहले शिफ्ट करना।